हेलो एवरीबॉडी, आज मैं बच्चों के लिए बहुत एक अलग हटके ड्राइंग लाई हूँ जो बहुत क्रिएटिव है और इसमें बच्चों को बनाने में बहुत मज़ा भी आता है। और ये जितनी ही क्रिएटिव दिखती है वो उतनी ज़्यादा आसान भी है। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्रेयॉन्स कलर, जो बच्चों के पास इजीली अवेलेबल होते हैं क्रेयॉन्स, क्योंकि वो ड्राइंग बनाते रहते हैं, उनको ड्राइंग बहुत पसंद है, इसलिए क्रेयॉन्स तो इजीली मिल जाते हैं उनको। और एक प्रकार चाहिए, इस तरह का प्रकार, और आप या फिर ऐसे कोई पेन ले सकते हैं जो चलती ना हो। तो शुरू करते हैं इस तरह का जो क्रिएटिव ड्राइंग है वो कैसे इजीली बच्चा बना सकता है, कैसे सीख सकता है। ये मैंने एक ड्राइंग शीट में इस तरह से बनाया था, तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे जो है इस तरह की ड्राइंग आप का बच्चा और या फिर बच्चे बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्रेयॉन्स कलर लीजिए एंड क्रेयॉन से उसको शेड करना शुरू कर दीजिए इस तरह से। इस तरह से बच्चों को जो है इस तरह की शेडिंग बहुत अच्छी लगती है, उनको शेड करना बहुत अच्छा लगता है, क्रेयॉन्स कलर चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें वो काफ़ी इंजॉय करेंगे। ऐसे 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 करके इस मिक्स कलर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही कलर से करते रहें, मिक्स कलर लीजिए। इस तरह से डिफरेंट कलर्स का शेड ले सकते हैं जो बहुत ही अच्छा दिखता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है डिफरेंट कलर का शेड। इस तरह से बच्चों को आप जो है क्रेयॉन से प्रैक्टिस करवाएं, इसे इसको डार्क बना दीजिए, खूब डार्क इसको करना है इस तरह से। अब मैं लेती हूँ रेड कलर, जो डार्क शेड होते हैं अगर वो लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जल्दी डार्क हो जाएगा। लाइट शेड अगर आप लेते हैं तो वो धीरे धीरे भी टाइम लगता है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि डार्क शेड से ही, डार्क कलर से ही शेडिंग करें इस तरह से। अब मैं ले रही हूँ ब्लू कलर इस तरह से। इस तरह करने के बाद आप जब भी खूब डार्क हो जाता है, इस तरह का डार्क हो जाता है जब इसका बेस, और आजकल क्या होता है बच्चों का ये जो जैसे ये इसमें कागज़ लगा होता है क्रेयॉन्स में, ये निकला होता है अधिकतर बच्चों का, तो ऐसे ऐसे भी इसको चला सकते हैं जिससे जल्दी शेड हो जाएगा। इस तरह से चलाने से जल्दी शेड हो जाता है। तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसके ऊपर प्रकार का यूज़ करते हुए, या ऐसी पेन जो चलती ना हो उसका यूज़ करते हुए इसके ऊपर इसको ऐसे चला सकते हैं, फ्लावर बना लिया जैसे, इस तरह से जोर से चलाने पे इसमें जो है ऐसे 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 फ्लावर बन जाएगा। अब जैसे मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, ये है जैसे,
एक शिप बना हुआ है, पानी है। तो मैं आपको जब इस तरह का ये डार्क हो जाता है तो इसके ऊपर जो स्केच सॉरी पेंसिल पेन जो चलती ना हो या फिर प्रकार चलाना बहुत आसान हो जाता है, और उसके ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पानी के लिए ऐसे ऐसे ये देखिए इस तरह से, जब ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए तो आप ऐसे ऐसे इसके ऊपर कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है ये और कितना अच्छा है। इस ड्राइंग को बनाना बहुत ही इजी है और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। आप करवा के देखिए बच्चों को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।